हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आप सभी ने मैजिक किचन ऑफ कृष्णा को बहुत सारा प्यार दिया है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, और बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। हम लाते हैं आपके लिए ढेरों अमेजिंग डिलीशियस इंडियन रेसिपी, क्वांटी रेसिपी एंड फ्यूजन रेसिपी। तो अच्छी अच्छी रेसिपी देखने और सीखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी रेसिपी आए सबसे पहले आपके लिए आए। आपके भरपूर प्यार के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। यूं ही बने रहिए, यूं ही अपना प्यार बरसाते रहिए। हम आज लेकर आए हैं आपके लिए कौन सी रेसिपी, चलें देखते हैं वीडियो में और बनाते हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो चलें बनाएं आज की रेसिपी। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल अचार, पंजाबी आम का अचार। पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे आम का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी डिलीशियस होता है और डिफरेंट और डिलीशियस है। पुराने जमाने से घरों में बनाया जाता रहा है, बहुत टेस्टी होता है। और हम लोग अचार साल में एक बार मनाते हैं और पूरे साल इस अचार का सेवन करते हैं, इसलिए इसकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। घर में जो अचार बनाए जाते हैं उसमें सिरका यूज नहीं किया जाता है, लेकिन ये इतना सेफ होता है कि आप सालों साल इसका सेवन कर सकते हैं। अचार जितना पुराना होगा टेस्ट उतना ही उसका अमेजिंग होता जाएगा और परफेक्ट होता जाएगा। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं अचार के कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स। वीडियो में बने रहिएगा, फॉलो कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा, ताकि आप इस अचार को बना पाए। पंजाबी स्टाइल में बनने वाला ये अचार दूसरे अचारों से डिफरेंट होता है और बहुत टेस्टी होता है। अचार बनाने के लिए स्पेशल कच्चे आम का उपयोग किया जाता है, जो कि सिर्फ अचार के लिए ही यूज में आता है। तो बने रहिए वीडियो में और टिप्स और ट्रिक्स के साथ फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा जरूर ये स्पेशल कच्चे आम का अचार, वो भी पंजाबी स्टाइल में। आप देखेंगे कि टेस्ट डिफरेंट होगा और बहुत ही डिलीशियस होगा ये अचार। पूरी के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ, जैसे भी आप खाना चाहें, इस अचार का टेस्ट बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट है ये अचार। तो जरूर बनाइएगा इस तरह से, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा ताकि आपका अचार खराब नहीं हो और सालों साल आप उसको यूज कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कि अचार में ध्यान रखने वाले हैं। इजी रेसिपी होती है, लेकिन टिप्स जरूर फॉलो करें और जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, ताकि दिल को खुश करने वाला ये अचार सभी बना पाए। अमेजिंग, टेस्टी एंड डिलीशियस। तो चलें फ्रेंड्स, बनाते हैं आज ये कच्चे आम का पंजाबी अचार। प्रिपरेशन कर लेते हैं अचार का। तो सबसे पहले हमने ये लिए हैं मैंगो, जो कि यूज किए जाते हैं अचार बनाने के लिए। इसमें गुदा ज्यादा होता है और गुठली छोटी होती है, तो इस आम का ही आप उपयोग करें और उसको इस तरह से कट कर लें। कट करने के बाद इसको सुखाना है हमें तकरीबन 2 दिन, जरूर धूप लगा लें, इसे 2-2 घंटे के लिए आप रखें। उसके बाद इसमें ये जो छिलके हैं और बीज है इनको रिमूव कर दें। देखिए इस तरह से इसे क्लीन करना है और ये जो छिलका है अंदर वाला इसको निकाल देना है। ध्यान रखें बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, तो आम को अच्छे से धोने के बाद ही कट करें। धोकर साफ कर ले, पोंछ ले और मेक श्योर कि पानी नहीं हो तभी आप कट करें।
और कट करके इसको सुखा लें। इसमें आपको नमक भी नहीं लगाना, हल्दी भी नहीं लगाना है, जस्ट इसको सुखाना है, ड्राई करना है, धूप लगाना है। तो जाली लगाकर इसको रख दें जब तक कि ये यूज में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है, इसको गरम कर लेते हैं और इसमें ऐड करेंगे 1 कप मस्टर्ड ऑयल। ध्यान रखें कि अचार हमेशा मस्टर्ड ऑयल, अच्छी कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल यूज करें और इसको अच्छे से गरम करें तब तक जब तक कि धुआं नहीं आ जाए। धुआं आने लगे तो इसको बंद कर दीजिए, फ्लेम ऑफ करके इसको हल्का ठंडा कर लेना है। तो इसको रख दीजिए साइड में ताकि ये ठंडा हो जाए, तब तक हम कर लेते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन। तो यहाँ हमने सभी मसाले लिए हैं, यहाँ हमने कैच मसाले यूज किए हैं, कैच का कोई मैच नहीं है, डेफिनेटली बहुत अच्छे मसाले हैं, इसलिए हमने कैच मसाले ही अचार बनाने के लिए यूज में लिया है। तो स्पेशली जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर है ये बहुत ही डिलिशियस और कलर इतना अच्छा आएगा कि आपका अचार बहुत अच्छा लगेगा। 3/4 कप हमें लेना है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 कप लेना है टर्मरिक पाउडर। तो यहाँ लेना है दाना मेथी, सौंफ और येलो मस्टर्ड, सॉल्ट, ये मेन मसाले हैं जो हमें लेना है। तो इनकी क्वांटिटी भी हम आपको बताते चलेंगे और कैसे यूज करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, और इन मसालों की जो मेजरमेंट है उसको ध्यान में रखेंगे तभी परफेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे 1.5 कप हमने लिया है पीला वाला मस्टर्ड, आप ब्लैक वाला भी ले सकते हैं। इसको हमें करना है ग्राइंड, यानी अच्छे से इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए पाउडर रेडी हो गया, तो इसे बिल्कुल पाउडर कर लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं सौंफ, लेकिन सौंफ को बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, ये हम 1.5 कप ले रहे हैं सौंफ। इसको हमें दरदरा करना है ठीक ऐसे, ये देखिए इस तरह का रफली क्रश करना है, इसको दरदरा करना है तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा और एक अच्छा थिकनेस भी देता है ये अचार को। यहाँ पे हम ले रहे हैं दाना मेथी 1/4 कप, इसको हमें पाउडर कर लेना है, पाउडर ही करना है इस तरह से। आप चाहें तो बाजार में पाउडर भी मिलता है तो वो भी यूज कर सकते हैं। 1/4 कप हम ले रहे हैं यहाँ पे मेथी, ये थोड़ी कड़वी होती है इसलिए थोड़ा सा कम लेना होता है। तो ये मेन जो मसाले हैं हमने पाउडर कर लिए हैं। अब यहाँ स्पेशल है हींग, जरूर यूज कीजिएगा। 3 टेबल स्पून हम हींग ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑयल हमने जो गरम किया था वो ठंडा हो चुका है, बहुत ठंडा नहीं, हल्का गरम है। तो बिल्कुल ठंडा नहीं करना आपको, हल्का गरम रहे तब उसमें ऐड कर देना 3 टेबल स्पून हींग। हम हींग यूज कर रहे हैं, यदि आप ऑनियन गार्लिक यूज करते हैं तो आप गार्लिक यहाँ पे 3 टेबल स्पून यूज कर सकते हैं, या 15 से 20 गार्लिक क्लोव आप यूज कर सकते हैं और उसको आप फ्राई कर लें और इस तेल को आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम हींग वाला ले रहे हैं क्योंकि हम गार्लिक वाला नहीं बना रहे हैं इसलिए हम हींग यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए हींग वाला ऑयल रेडी हो गया, तो इसको पूरा ठंडा होने देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं, मसालों को मिक्स करना है, जो हमने मसाले बनाए हैं वो मिक्स करने हैं। हमने सभी मसाले जो है कैच के लिए हैं, ये बहुत ही अच्छे मसाले हैं। देखिए सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं मस्टर्ड पाउडर जो कि हमने 1.5 कप लिया था, ऐड कर देंगे 1.5 कप फेनल शीट्स यानी सौंफ जो कि दरदरा पीसा हमने, सौंफ को आपको दरदरा ही पीसना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मेथी पाउडर जो कि हमने 1/4 कप लिया है, ऐड कर देंगे सॉल्ट, सॉल्ट हमने 1.5 कप लिया है, ऐड कर देंगे टर्मरिक पाउडर जो कि हमने 1/2 कप लिया है। और अब इसमें जो स्पेशल कलर आता है वो आता है कश्मीरी रेड चिली पाउडर से जो कि 3/4 कप हमने लिया है। तो कैच मसाला है तो बहुत ही अमेजिंग है। चलिए ऐड कर देते हैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 कप मस्टर्ड ऑयल, पहले 2 कप ऐड करें उसके बाद मिक्स करेंगे और फिर बाकी का हम ऐड करेंगे। तो 2 कप मस्टर्ड ऑयल हमने पहले लिया है, चलिए मिक्स करते हैं, सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। अचार में सॉल्ट थोड़ा सा ज्यादा जाता है क्योंकि सॉल्ट जो है इसको गलने में मदद करता है। तो 2 कप मस्टर्ड ऑयल और हम ऐड कर रहे हैं, तो स्लोली आप ऐड करें। जो 2 कप हमने पहले ऐड किया, 2 कप हम अब ऐड कर रहे हैं। टोटल यहाँ पे 1 लीटर और 250 ml तक लग जाता है ऑयल,
देखिए परफेक्टली जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। ध्यान रखें मसाला बहुत अच्छे से ऑयल में डिप होना चाहिए, यानी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इतना आप ऑयल इसमें ऐड करें। हमने टोटल अभी तक 4 कप ऑयल इसमें ऐड किया है, तो अच्छे से इसको मिक्स कर दें और नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो बोतल है उसको अच्छे से वॉश कर लिया, सुखा लिया, ड्राई कर लिया। अच्छे से स्टरलाइज करने के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। धूप लगा दीजिएगा, जरूर धूप में रखिए ताकि अच्छे से ये बिल्कुल बैक्टीरिया से फ्री हो जाए। उसके बाद सेकंड टिप्स ध्यान रखिए कि इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा कच्चा मस्टर्ड ऑयल और इसकी पूरी जो दीवारें हैं इसमें अच्छे से इस तरह से घुमा दीजिए। ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा कि दीवारों पे भी किसी भी तरह से कोई वायरस या कोई जर्म्स लगने की संभावना नहीं होती और ये अच्छे से स्टरलाइज रहता है। ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। अचार तभी सेफ्टी होगी अचार की, अदरवाइज फफूंद लग सकते हैं, जैसे बारिश के मौसम में भी लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि बॉटल अच्छे से इस तरह से कर लें। अब देखिए अचार हमारा रेडी करने के लिए जो कैरी है, कच्चा आम है, वो सूख चुका है, बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। हमने 2 दिन तक अच्छे से 2-2 घंटे धूप लगाया है, परफेक्टली ड्राई है। ये देखिए जाली इसलिए लगाया था कि डस्ट नहीं आए, किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज नहीं आए। अब ये मसाला हमारा रेडी है, देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है इसमें, तो मसाला रेडी है। अब इसमें जो हींग वाला ऑयल है 1 कप, उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो हींग वाला जो ऑयल है ये ऐड करने के बाद एक अच्छी खुशबू आने लगती है। हींग प्रिजर्व भी करता है अचार को, सेकंड इसमें अच्छा टेस्ट भी आता है, डिफरेंट टेस्ट भी आता है। तो जिस वॉक में हमने हींग वाला तेल था उसमें हींग है अभी, इसलिए हम जो सूखी हुई कैरी है हमारी उसमें ऐड कर देते हैं उसी कढ़ाई में और अच्छे से घुमा लेते हैं। तो ये दादी नानी वाला नुस्खा है कि कुछ भी बेकार नहीं जाने देना है, उसे हमें जरूर यूज करना है। तो हींग वाला ऑयल हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इस कैरी को हम ऐड कर देते हैं मेन मसाले में। अब क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इन कैरियों को मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हर कैरी के ऊपर मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि हर टुकड़े के ऊपर अच्छे से मसाला मैरिनेट हो जाए। तो अच्छे से मैरिनेट करने के बाद 7 से 8 घंटे आपको इसी तरह से रखना है, ढककर रखिएगा 7-8 घंटे। यानी यदि आप दिन में बना रहे हैं तो ओवरनाइट रख दीजिए और नेक्स्ट डे आप इसमें बॉटल में भरिए। तो ये देखिए इसको 7-8 घंटे, कम से कम 7-8 घंटे जरूर आप इसको बाउल में ही रखें, मिक्स करके ढककर रखिएगा ताकि कोई इम्प्योरिटीज नहीं जाए उसमें, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहीं से भी थोड़ा सा भी मॉइस्चर इसमें नहीं जाना चाहिए। तो जो हम राजस्थानी स्टाइल में अचार बनाते हैं उसको पूरी तरह से हल्दी नमक के साथ धूप में सुखाते हैं, लेकिन इसको आपको सुखाना नहीं है, ड्राई नहीं करना है, जस्ट इसका पानी उड़ जाना चाहिए तब तक ही आपको रखना होता है। अब 7-8 घंटे आपको रखने के बाद जिस बॉटल में हमने ऑयल भरा था, आप देखेंगे ऑयल नीचे चला जाता है, तो एक बार फिर ऑयल को घुमा लीजिए पूरे बॉटल में ताकि बॉटल की जो दीवारें हैं उसमें ऑयल अच्छे से लग जाए। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे भर देंगे अचार। तो अच्छे से भरें अचार को, धीरे धीरे भरें, तो कोई सूखा हुआ चम्मच ही यूज करें। ध्यान रखें जब भी अचार भरना है या अचार को मिक्स करना है या निकालना है तब आप जो भी स्पून यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल जो ड्राई है उसे ही आप यूज करें, ऐसे नहीं करने पर अचार खराब हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मॉइस्चर नहीं जाने देना है किसी भी तरह से। तो अचार हमने भर दिया है बरनी में, देखिए इस तरह से आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये मसाला बैठ जाएगा, फिर ऑयल की जरूरत हो तो हम इसमें और ऑयल ऐड करेंगे। तो जितना हमने लिया है अचार बनाया है वो इस तरह से बरनी में भर लेंगे, ये देखिए इस तरह से बरनी में भर लेंगे। तो ये वाला कैरी हमने यूज किया है और यूज किया है कैच मसाले, और ये एक छोटा जो थोड़ा सा बचा था वो छोटे जार में भी हमने भर दिया है। इन टोटल 1 kg अचार है और मसाले मिला के थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हमें 2 बरनी की जरूरत पड़ी है। दोनों बरनी को हमने बिल्कुल क्लियर रखा है और सेम जो प्रोसीजर है वो किया है और दोनों बरनी में हमने अचार को भर लिया है ताकि ये 3/4 खाली रहे। हम एक में भी भर सकते हैं लेकिन 3/4 खाली नहीं रहता, इसलिए हमें
इस तरह से दो बर्नी यूज करनी पड़ी, बर्नी थोड़ी बड़ी लीजिएगा। तो इसके अंदर हम भर देते हैं ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ऑयल और ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग सिरका यूज नहीं करते हैं और ऑयल में ही ये प्रिजर्व रहता है, तो थोड़ा ऑयल की मात्रा ज्यादा जरूरत होती है। अब इसको कवर कर देंगे किसी भी कॉटन रुमाल से, क्लॉथ से, मसलिन क्लॉथ से। अच्छे से कवर करने के बाद इसे हम लगा देंगे रबर बैंड और इसी तरह से इसको सुखाएंगे धूप के अंदर 2-2 घंटे। हम 2 वीक यानी 2 सप्ताह हमें रखना है धूप में, और 2 सप्ताह बाद हम इसे यूज कर सकते हैं। तो 2 सप्ताह बाद इसको खोल के देखते हैं तो इसका कलर और टेक्सचर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है काफी। मसाले आप देखेंगे अंदर बैठ चुके हैं और ऊपर ऑयल की मात्रा जो है वो ऊपर आ जाती है। ये देखिए, सूखे चम्मच से इसको निकालें। ध्यान रखें जब भी आपको यूज करना है तो सूखे चम्मच से ही यूज करें। तो कुछ नीटनेस है जिसका ध्यान रखेंगे तो अचार कभी खराब नहीं होगा। तो अच्छे आप साफ सुथरे कपड़ों में आप जब इन अचारों को निकालते हैं या उसको यूज करते हैं तो अचार कभी भी खराब नहीं होता। स्पेशली ध्यान रखें कि जो भी चम्मच आप यूज कर रहे हैं वो सूखा होना चाहिए, और एक बार यूज करने के बाद अब जो चम्मच है वो चेंज कर दीजिए, उसको निकाल लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप यूज करें तो दूसरे स्पून से करें, और वो बिल्कुल मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, नहीं सूखा हुआ होना चाहिए। तो इस अचार को आप यूज करें, सालों साल खाएं। आप इसको 2 सप्ताह के बाद यूज में ले सकते हैं, लेकिन यदि आप हमसे पूछे तो हम कहेंगे कि तकरीबन 1 महीना लग जाता है परफेक्टली इसका जो टेक्सचर टेस्ट आने में। तो 1 महीने बाद इसका परफेक्ट टेस्ट आपको मिल सकता है, यानी अच्छे से गल भी जाएगा और अच्छे से आप उसको यूज भी कर पाएंगे। तो जरूर ट्राई कीजिए इस अचार को, और दिल खुश करने वाला है आपका ये अचार, इतना टेस्टी होगा डेफिनेटली। ये मेजरमेंट ध्यान रखिएगा, इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो परफेक्ट अचार बनेगा। और यदि हमने 1 किलो बनाया, आप चाहें तो 2 किलो बनाए, तो ठीक डबल कर दीजिएगा सारे इंग्रेडिएंट। तो बनाइए ये तो स्पेशल अचार। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, छुपके छुपके चले जाते हैं, उनसे निवेदन है सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ, बनाते रहिए डिलीशियस अमेजिंग रेसिपीज। और यदि आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बना पाए ये डिलीशियस रेसिपी। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपना प्यार बरसाते रहिए। हम फिर मिलेंगे आपके लिए, लेकर आएंगे नई रेसिपी। आप बनाइए हमारी आज की रेसिपी और हम चलते हैं लाने के लिए आपके लिए और डिलीशियस रेसिपीज। तो टिल डन, बाय बाय ऑल ऑफ यू। जय भारत।